बच्चों का फेवरेट हम यहाँ पर आज फ्रूट जैम बनाएंगे। ये फ्रूट जैम बिना शक्कर के हमने बना के तैयार किया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसका कलर देखेंगे ना तो बिल्कुल नेचुरल कलर है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी हमें मार्केट में इजीली ऐसी चेरी अवेलेबल है, ये नॉर्थ वेस्ट चेरी है। अब हमें चेरी में से बीज को अलग कर लेना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे नाइफ की मदद से ऐसे सेंटर से कट करके और ऐसे बीज को निकाल दीजिए, ये देखिए अच्छे से निकल जाता है। और दूसरा एक बहुत ही इजी तरीका है कि स्ट्रॉ ले लीजिए और स्ट्रॉ से हमें ऐसे पुश करना है जिससे कि इजीली इसका सीड या बीज निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हमें ऐसे करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसको हमें ऐसे सारा निकाल देना है चेरी में से। सीड निकालने के बाद इस चेरी का वेट 400 ग्राम है, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। हमें ज्यादा इसमें मिश्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 50 से 60 ग्राम धागे वाली जो मिश्री होती है ना उसको पीस करके इसमें ऐड किया है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी ये चेरी है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, एकदम तेज नहीं करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको हमें पोटैटो मैशर की मदद से ऐसे क्रश कर लेना है जिससे कि है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी चेरी। आप चेरी का टेक्सचर यदि स्मूथ चाहते हैं ना तो आप उसको क्रश करके भी मिश्री के साथ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जैम बना सकते हैं। अब ये अच्छे से बॉयल देखो हो चुका है, इसको हमें बीच बीच में हिलाते रहना है। उसके बाद हम इसमें है ना 2 से 3 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसमें बिल्कुल भी हमें विनेगर या कुछ भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रूट जैम बहुत ही टेस्टी सा घर पे बन के तैयार होता है। आप इसको फ्रिज में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ये 4 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा सा हो जाएगा ना, वैसे ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद एकदम थिक सा हो गया है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसको जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। ये चेरी का जैम जब ठंडा हो जाए ना उसके बाद हमें इसको कांच के जार में स्टोर कर लेना है। कांच के जार को हमें अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसके बाद ही हमें जैम को स्टोर करना है। बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। और आपको मैं इसका टेक्सचर एकदम ठंडा होने के बाद बताती हूँ, एकदम थिक सा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर एक ब्रेड की स्लाइस ली है जिसका कि हम ऐसे ब्रेड फ्लावर बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। ऐसे सारे एजेस को हमें ऐसे अंदर की साइड मोड़ते जाना है और इसको हम टोस्ट कर लेंगे और फिर फ्रूट जाम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।